सब्सक्राइब कीजिए स्टार टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वंडरशेयर फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर हम वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। सो हेलो व्यूअर्स, नवदीप हियर एंड यू आर वॉचिंग इंटरेस्टिंग चैनल स्टार टेक्निकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम इसमें फुल फीचर मोड में जाते हैं और टास्क बार में कोई भी वीडियो इंपोर्ट कर लेते हैं। और अब हमें एक्सट्रीम लास्ट में एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मेट दिए हैं, यानी कि WMV, MP4, AVI, MOV, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सभी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं और इसी में किसी भी फॉर्मेट में हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी डिवाइस के फॉर्मेट में, यानी कि आईफोन, आईपैड, एप्पल टीवी, इसमें से किसी भी डिवाइस के फॉर्मेट में अगर हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर हम डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं अपनी वीडियो को। मोस्टली हम MP4 फॉर्मेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी वीडियो की नेमिंग कर सकते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ माई वीडियो 1, 2, 3। और उसके नीचे जो ऑप्शन है, इसमें हम अपने जो वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद सेव होगी उसकी लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी लोकेशन हमने सेट कर दी। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग आती है रेजोल्यूशन की सेटिंग। यहाँ पे हम वीडियो की क्वालिटी, यानी कि गुड, बेटर और बेस्ट, इन तीनों में से मोस्टली हम बेस्ट यूज़ करते हैं। और रेजोल्यूशन अपनी मर्जी से आप कोई भी सेट कर सकते हैं, जैसे अब हम यूज़ कर रहे हैं 1920x1080 का रेजोल्यूशन और ओके। अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है। गाइस, एक्सपोर्ट होने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखता है फाइंड टारगेट का। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा जिसमें हमारी वीडियो सेव हुई है। जैसे ये देख सकते हैं आप, जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट की थी वो यहाँ पर सेव हमें दिख रही है। तो गाइस, ऐसे की अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। और कोई अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।